जब भी बहन जी सत्ता में आई, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने इस देश के संविधान को लागू किया। मान्यवर काशीराम जी ने ये नहीं कहा था कि तुम अपने कार्यकर्ताओं को जेलों में भेज दो। बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और कोई नहीं है। ये कलयुगी रावण है, विभीषण के हाथों नहीं मारा जाएगा, हमें पता है बहुजनों को। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। मैं इस समय दिल्ली के लाल किले के पास मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी, जो बसपा के बहन जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और काफी बेबाक होकर बोलते हैं। इनके दावे वादे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अशोक जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है चंद्रशेखर आजाद रावण, भीम आर्मी प्रमुख, आजाद समाज पार्टी कांचीराम के मुखिया। एक महीने हो गया, अभी तक जेड प्लस की सिक्योरिटी नहीं मिली और उनकी जान को खतरा है। आखिर केंद्र सरकार इतना ढीला ढाला रवैया क्यों अपना रही है? योगी मोदी सरकार इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण झूठ बोल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा नहीं है? देखिए, ऐसे तो जान को खतरा सभी का, कहां पर जान को खतरा नहीं है। अभी मैं गया था महाराष्ट्र, तो वहां एक गांव जाते जाते वहां पर मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर गया और मैं मरते मरते बचा। मुझे चोट लगी मेरे हाथ में, पूरे राइट हैंड पे पूरा चोट है। और इसका मतलब फिर हम किससे सुरक्षा मांगे? अगर आप राजनीति में आए हो, अगर आप समाज सेवा करने आए हो, तो जो विपक्ष की विचारधारा के लोग हैं उनसे तो आपको हमेशा खतरा रहेगा। आप सुरक्षा मांगेंगे तो भाई, मैं बार बार कहता हूँ, आपको सुरक्षा चाहिए तो आप अपने बच्चों को पालिए, अपने घर बैठिए। बहन कुमारी मायावती देख लेगी ना बहुजनों को, वो कर लेगी। आप क्यों ड्रामा कर रहे हो? डरते हैं आप लोग चंद्रशेखर रावण से? नहीं, हम क्यों डरते हैं? डरते वो हैं जो जेड प्लस सिक्योरिटी मांग रहे हैं और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और आप उनको झोंक रहे हो उसमें कि सुरक्षा चाहिए। किस बात की सुरक्षा चाहिए भाई? क्यों सुरक्षा चाहिए? हमारे आपने देखा नहीं क्या 28 जून को सहारनपुर में जानलेवा हमला हुआ? ऐसे तो रोज होते रहते हैं, हमारे ऊपर भी होते रहते हैं। हमें गालियां बकते हैं लोग, दूसरा गालियां देते हैं। इस तरह का हर आदमी को सुरक्षा मिल जाएगी क्या? किस बात की सुरक्षा? हम बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, हमारी लड़ाई जमीन पर है। हम अगर सुरक्षा लेके, जेड प्लस सुरक्षा लेके कहां जाएंगे? हम अपने झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में अपने उन लोगों से मिल पाएंगे क्या? किस बात की जेड प्लस सुरक्षा? हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। और ये जो सरकार ये दे ना दे, उनका अंदरूनी मामला, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये सुरक्षा मांगने का किसी नेता का, बहुजन नेता का, ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। इसको लेकर 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको याद है? देखिए, ऐसे आंदोलन बहुत होते हैं। आज ही मैं गया था तालकटोरा स्टेडियम में, इतना बड़ा मजदूर आए थे, पूरे देश के किसान मजदूर, और हजारों की तादाद में थे। वो मांग कर रहे हैं कि भैया हमारे तनख्वाह बढ़ा दो, हमारी अधिकार दे दो। तो क्या सरकार दे देगी एक मिनट में? ऐसा नहीं होता है कि आप अगर कुछ आदमी ला करके हल्ला मचा दोगे आपको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके लिए निरंतर लड़ाई करनी पड़ती है। और दूसरी बात, ये पहली पार्टी ऐसी आई है जो अपने नेता की सुरक्षा के लिए, वो जेड सुरक्षा के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, दुख की बात है। तो इसीलिए देखिए, लड़ाई मूवमेंट लगातार चलती है, मजदूर किसान लड़ रहे हैं, तमाम वर्ग लड़ रहे हैं। तो रातों रात तो सरकार सुनेगी नहीं ना। आप जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए एक महीना हो गया प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिल रही। देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की भी विचारधारा वही है जो बीएसपी की है? वो दावा करते हैं कि हम भी कांचीराम के फॉलोवर हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, और जब भी जाते हैं लाखों की भीड़ आ जाती है। देखिए, पहली बात ये क्या है करिश्मा? देखिए, पहली बात तो ये, माननीय काशीराम जी की जो विचारधारा है वो अपने कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की नहीं है। वो वहां पर लड़ने की, किसी को गाली देने की विचारधारा नहीं है। माननीय काशीराम जी ने कोई धरना प्रदर्शन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे अपनी जनता को सत्ता पे जाने का रास्ता बताओ, उनको ये बताओ कि तुम्हारी वोट तुम्हारा है और तुम इन मनुवादियों को, चंद लोगों को चुन करके सत्ता दे देते हो, इसीलिए तुम्हारे अधिकार नहीं मिलते, इसीलिए तुम्हारी पिटाई होती है, इसीलिए तुम्हारे संविधान लागू नहीं होता। माननीय काशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। माननीय काशीराम जी ने ये नहीं कहा था कि तुम अपने कार्यकर्ताओं को जेलों में भेज दो। तुम लोग कौन जेल भेज रहा है? अरे ये कार्यकर्ता दुनिया भर के जेलों में अभी तक जमानते नहीं हुई है, ले जा करके हल्ला मचाना, वहां पर पहुंच करके बिल्कुल हल्ला मचा देना, तोड़फोड़ करनी, ये माननीय काशीराम जी की विचारधारा थी। माननीय काशीराम जी इस तरह के तोड़फोड़ की उग्र राजनीति के बिल्कुल विरुद्ध थे और उसकी बीएसपी की रणनीति थी कि वो अपने हिसाब से कैडर ले लेकर के अपने लोगों को तैयार करेगी और उनको वोट का अपनी शक्ति बताएगी। वोट अपने लोगों को डालो, सत्ता में आओ। और बाबा साहब ने जो कहा था कि राजनीति
सत्ता की चाबी है, और सत्ता की चाबी से आप जब सत्ता में चले जाओगे तो आपके दुख तकलीफ सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सत्ता में शक्तियां निहित हैं और उन शक्तियों से आप अपना और अपने समाज का उनका उद्धार करोगे, उनका डेवलपमेंट करोगे, शिक्षा दोगे, रोजगार दोगे, जमीनें बांटोगे, उनकी सुरक्षा करोगे, उनको न्याय दोगे और उनके जो फंडामेंटल राइट है संविधान के उसको लागू करोगे। भाजपा एक भाजपा इस देश के अंदर इकलौती ऐसी राजनीतिक दल है जो कि कभी भी किसी उसमें चुनाव में कोई भी घोषणा पत्र नहीं लागू करती है। वो कहती है इस देश का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। जब भी बहन जी सत्ता में आई, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने इस देश के संविधान को लागू किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। उन्होंने शिक्षक से लेकर के पुलिस वालों से लेकर के सफाई कर्मचारी से लेकर के तमाम लोगों को भर्ती किया। उन्होंने तमाम हजारों एकड़ जमीने भूमि इनों को बांटी। किसी भी जाति किसी धर्म के थे उन्होंने स्कूल बनाए। और तो और बहन जी इकलौती ऐसी नेता है कि जिनके राज में ना तो कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ और ना ही कोई वहां पर कोई एट्रोसिटीज हुई। वर्तमान की बात करिए, वर्तमान में बहुत चुनौतियां हैं बीएसपी के साथ। नहीं, जब चंद्रशेखर रावण कितने बड़े चुनौती, अपने बीच कोई चुनौती नहीं है। देखिए, भले ही भीड़ तो आ सकती है, भले ही भीड़ तो आ सकती है उसमें उनके उसमें, लेकिन वो वोट 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 में नहीं कन्वर्ट होता है। आपने देखा अभी तक चंद्रशेखर रावण को इस देश का 0.5% वोट भी नहीं मिला है, और बहन कुमारी मायावती के पास, बीएसपी के पास इस देश का 14% वोट अभी हमारा इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है। 14% वोट बीएसपी के पास है और पूरी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वो। तो इसीलिए चंद्रशेखर रावण पॉलिटिकली हमारे कहीं कहीं पर भी दूर दूर तक हमारे सामने नहीं टिका। लेकिन एक चीज आपको समझाना पड़ेगा, जब भी रैली होती है तो हजारों लाखों की भीड़ कहां से आती है, कहां से आती है? ये बड़ा सवाल है। यही तो हम पूछ रहे हैं भाई, वो कहां से आती है बताइए, कौन भेज रहा है? जिन्होंने तैयार किया वो भेज रहे हैं ना अपने लोग, वो आ रहे हैं उनके लोग, वो अपना गमछा डाल करके नीला और झंडा उठा करके। लेकिन लोग तो किसी और के हैं ना, इतने बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, करोड़ों रुपए के पंडाल लग रहे हैं, और वो फॉर्चून गाड़ियां कहां से आ रही है भाई? कौन पैसा दे रहा है वो फॉर्चून हमारा, जिसको ये कह रहे हैं कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ आकाश आनंद को, बहन जी के भतीजे को बार बार कह रहा है कि वो चांदी का चम्मच लेके विरासत में राजनीति मिली, वो बेचारा धक्के खा रहा है। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं, पैदल पैदल धक्के खा रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में धक्के खा रहा है, वो तेलंगाना में धक्के खा रहा है, गांव गांव जा रहा है, महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में जा रहा है। और जो कह रहा है गरीब का बेटा, वो फॉर्चूनरों की 50 फॉर्चुनरों की गाड़ियां लेकर के चल रहा है, कहां से मिल जाता है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है वो पैसा? वो विभीषण को पैसा कौन दे रहा है वो बिहार? लेकिन ये ध्यान रखना, बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और कोई नहीं है। कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है? बीएसपी हमारी पार्टी है और बहन कुमारी मायावती एकमात्र हमारी नेता है। और इसी लाल किले से 15 अगस्त को 2024 में बहन जी पहली दलित प्रधानमंत्री ये झंडा फहराएगी प्राचीर से। कैसे 272 लाएंगे? चुनौती है नहीं है, अरे बीजेपी दावा कर रही है 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में वो ला रही है, दावा कर रही है ना, हम भी दावा कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें बहन कुमारी मायावती लेके आ रही है, बहुजन समाज पार्टी लेकर के आ रही है, एक तरफा चल रहा है पूरे देश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, सब में मिला करके 50 से 60 सीटें आएंगी। और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना इन ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल इंडिया बना है गठबंधन, उसकी मजबूरी होगा। अगर इनको मोदी को जेल जाने से, अगर मोदी को रोकना है उसको, इनको भेजने से कांग्रेस, बीजेपी के कांग्रेस और दूसरे लोगों को जेल जाने से बचना है तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। तो इंडिया गठबंधन तो कोशिश कर ही रही है, अजय राय साहब जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो तो लगातार कोशिश कर रहे हैं बहन जी को लाना है। बहन जी मानेंगी? नेता बनाओ ना भाई। अच्छा, आप प्रधानमंत्री घोषित कर दो इंडिया, इंडिया उसका पॉलिटिकल मतलब पीएम उम्मीदवार घोषित करें, पीएम और उसका उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ो भाई। इस देश के अंदर कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जनेऊधारी राहुल गांधी, कभी ये मनुवादी, ये लोग आएंगे, हम कहां जाएंगे? 85% लोग इस देश का बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश के कहां जाएंगे? हम इस देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे? इस लाल किले पे हमारा नेता कब झंडा फहराएगा, कब तिरंगा फहराएगा? ज्ञानी जी, आपने राहुल गांधी को जनेऊधारी क्यों कहा? क्या वो भी अब हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखो उन्होंने खुद कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर अमरनाथ के उसमें गुफा में बैठ गए थे, तो उसके बाद ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं तो जनेऊधारी हूँ, चिल्ला रहे जनेऊधारी है। तो ये तमाम जनेऊधारी है, सारे RSS के लोग हैं, ये सारे मनुवादी हैं, आपस में एक हैं, और ये लोगों की साठ गांठ है। कभी राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, जनेऊधारी कांग्रेस बनेगी, कभी बीजेपी बनेगी, तो हमारा नंबर कब आएगा भाई? हम इस देश के 85%, हम इस देश के जो बहुजन है, SC ST OBC बहुजन एकजुट नहीं है ना, करेंगे कैसे? चुनौती है, देखिए उसमें इन्होंने उन्होंने मीडिया जो इनकी गोदी मीडिया है वो तमाम मीडिया इनको दिखाती है, हमें दिखाती
आती नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा भ्रामक प्रचार हो जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं, बहन जी काम कर रही है, लगातार जनता में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अब हम लोगों के डायरेक्ट जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा पक्ष ये है, तुम्हारा पक्ष वो नहीं है, तुम्हारा पक्ष ये है, यहाँ पर बीएसपी तुम्हारा, बहुजन मूवमेंट तुम्हारा है, इसीलिए इस बार बहन कुमारी मायावती हर हालत में प्रधानमंत्री बनेंगी। हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मगर विभीषणों से भी सावधान है। बहन जी ने कह दिया कि चमचों से सावधान, जो इन मनुवाद लोग तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, हवा ये भी है, खबर ये भी उड़ा रहा है, तमाम मीडिया नहीं होगा, आप पार्टी छोड़ो और बीएसपी की सदस्यता लो और काम करो, किसने रोका है आपको? आप इतने बड़े नेता नहीं हो अभी जब बहन जी के बराबर खड़े हो जाओगे, बहन जी हमारी एकमात्र नेता है। अरे ईगो छोड़िए, ईगो छोड़िए आप लोग, ईगो नहीं है ये, हमें पता ना कि वो धोखेबाज लोग धोखेबाजी होते हैं, ये मिशन को छोड़ करके, और इनको कौन दे रहा है गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्चूनर कौन दे रहा है इनको, इतने इतने बड़े समाज के लोग प्यार करते हैं वही दे रहे हैं, तो भैया गरीब कहां से हुए? और तुम उसको आकाश आनंद को बार बार कहते हो विरासत में आया हो आदमी, ये सोने का चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो पैदल घूम रहा है, सोने का चम्मच लेने वाला युवराज पैदल घूम रहा है, और आप गाड़ियों में घूम रहे हो, जो गरीब है फॉर्चूनर गाड़ियों में वो जा रही है, कल देख रहे हैं राजस्थान में फॉर्चूनर गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, उसका पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, वो गाड़ियां कहाँ से आ रही है, वही सपोर्टर वोटर बनेंगे इस बार, वो वोटर नहीं है, देखिए 0.5% से भी कम वोट है, चंद्रशेखर रावण का अभी तक 0.5% भी वोट नहीं है, 0.00% है, और बहन कुमारी मायावती का 14% वोट, तीसरी बड़ी पार्टी इस देश की बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और कोई नहीं है, देखिए इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश में, तो इसीलिए हम हमारे पास वोट है, शक्ति है, कितनी सीट 24 में 50 से 60, 50 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, 10 सीटें आएंगी अलग अलग राज्यों से, राजस्थान तेलंगाना मध्य प्रदेश, यहाँ से हमें 10 सीटें आएंगी, बाकी 50 से ज्यादा सीटें हमें आएंगी उत्तर प्रदेश से, यानी पक्का है प्रधानमंत्री का, इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2024 को इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में तिरंगा फहराएगा और देश को संदेश देगा। शुक्रिया, तो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, ज्ञानी जी कह रहे हैं दावा बहुत बड़ा है, कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती इसी लाल किले के प्राचीर से, इसी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगी। अब आप लोग इनकी बात से कितना सहमत हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।